ऑल यूज ऑफ हैज़ एंड हैव। फ्रेंड्स, आज हम हैज़ और हैव के सारे इस्तेमाल को एक एक करके सीखेंगे। तो इसका पहला इस्तेमाल है, जब पास रखना या किसी के पास कुछ होने का बोध हो तो हम हैज़ या हैव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे, मैं बंदूक रखता हूँ या फिर मेरे पास एक बंदूक है। तो इन दोनों तरह के सेंटेंसेस के लिए हो जाएगा, आई हैव अ गन। मेरे पिताजी के पास दो कार हैं या मेरे पिताजी दो कार रखते हैं। तो इन दोनों तरह के सेंटेंसेस के लिए हो जाएगा, माई फादर हैज़ टू कार्स। फ्रेंड्स, अब आप ये सोच रहे होंगे कि हैज़ कहाँ लगाएंगे और हैव कहाँ लगाएंगे, तो चलिए हम विस्तार से जानते हैं। आई, यू और सभी बहुवचन के साथ हैव लगता है और सभी एकवचन के साथ हैज़ लगता है। जब कोई अपनी बीमारी के बारे में बताता है कि उसे अमुक बीमारी है, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए भी हम हैज़ या हैव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे, मुझे बुखार है, आई हैव फीवर। उसे सर्दी है, ही हैज़ कोल्ड। मुझे सरदर्द है, आई हैव हेडेक। हैव का इस्तेमाल, तीसरा इस्तेमाल जो है उसका मतलब होता है लेना। जैसे, क्या मैं आपकी पेन ले लूं? मे आई हैव योर पेन? हाँ, तुम मेरी पेन ले सकते हो। यस, यू मे हैव माई पेन। जो हैव का चौथा इस्तेमाल है, हैव का मतलब होता है करना, लेना या पीना। चलो नाश्ता करते हैं, लेट्स हैव ब्रेकफास्ट। चलो चाय पीते हैं, लेट्स हैव टी। हैज और हैव का इस्तेमाल हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए भी करते हैं। जैसे, उसने खा लिया है, ही हैज ईटन। मैं देख चुका हूँ, आई हैव सीन। वे लोग जा चुके हैं, दे हैव गॉन। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।